सीडीएस राउत मृत्यु देश अपूरणीय क्षति तथापि धैर्यर सह सबकिछि को सामना करिबो देश। कुन्नूर चपर दुर्घटनार समस्त वीरंकु पुनर्बार श्रद्धांजलि जणाइले प्रधानमंत्री। देश पई आवश्यक प्रतिटि योजना को संपूर्ण करिबा सरकार को मुख्य लक्ष्य। कृषक मानंक सुविधा पई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार दिन उत्तर प्रदेश बलरामपुर थारे सरजू नदी प्रोजेक्टर उद्घाटन करने अवसर में भारतर प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को देहांत प्रत्येक देशभक्तों पर बहुत बड़ा क्षति बोली कहते। 8 तारीख में हेलिकॉप्टर दुर्घटन में शहीद होता समस्त वीर योद्धा को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री। मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रतिटि कार्य को संपूर्ण करिबा सरकार को मुख्य लक्ष्य। 9,800 कोटी टंका व्यय अटकल रे निर्मित सरजू केनाल परियोजना द्वारा 9 जिल्लार 29 लाख चाषी उपकृत हेबे। चिंताधारा सचोट हेले कार्य रे स्वच्छता बजाय रहिबो बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। एहि अवसर रे पूर्व सरकार अपारगता हेतु वर्ष वर्ष धरी चाषी मैंने फसल सिंचाई सुविधा वंचित होती बोली कही उत्तर प्रदेश रा सपा सरकार को टारगेट करथिले प्रधानमंत्री। देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। उत्तर प्रदेश एही मेगा प्रोजेक्ट उद्घाटन अवसर रे उत्तर प्रदेश राज्यपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख नेतागण माने उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।